ओके तो भाई आज के मंडे नाइट रॉक पर कोडी रोड्स रोने लगे और उन्होंने फाइनल मैसेज दे दिया रोमन रेंज को। साथ ही साथ भाई कोडी रोड्स के साथ साथ बैकी लिंच भी रोने लगी आज के मंडे नाइट रॉक। इसके अलावा भाई बहुत सारे मैचेस भी ऑफिशियल हुआ आज के मंडे नाइट रॉक पर, क्या कुछ हुआ आई हम सारा कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो भाई अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई अगर हम लोग आज का मंडे नाइट रॉक का स्टार्टिंग का बात करें तो भाई स्टार्टिंग हमें ड्रू मैकएंटायर के द्वारा देखने को मिलता है। ड्रू मैकएंटायर का यहाँ पर सवाल था सेथ रॉलिंस से कि सेथ रॉलिंस तू मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहा, रेसलमेनिया 40 के अंदर मेरा तुम्हारा मैच होने वाला पर तुम जाकर अपना सर घुसा हुए ब्लड लाइन के अंदर करें। देन उसके बाद हमें सेथ रॉलिंस भी देखने को मिलते हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं ड्रू मैकएंटायर से मैं तुम्हें अपोनेंट मानता ही नहीं। देन उसके बाद सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर भी बैठ जाते हैं कि ले भाई अगर तुम्हें मुझे क्लेमोर मारना है तो मुझे मार ले फेस के ऊपर। इनके बीच में फिजिकल एक्शन तो कोई देखने को नहीं मिला पर ड्रू मैकएंटायर आज के रॉक पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। लिटरली सेथ रॉलिंस ने आज के रॉक पर पूरी तरीके से उनको डिस्ट्रॉय भी कर दिया। वैसे इस पूरे सेगमेंट को मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर कवर किया तो अगर आप लोग चाहो तो जाकर देख सकते हैं। वैसे देन इसके बाद नेक्स्ट मैच शो पर हमें बैकी लिंच का एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मैच हमें लिम मॉरन के साथ देखने को मिलता है। आपको बता दूं भाई इस मैच का क्वालिटी मतलब भाई सुपर लेवल का था, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का था। अगर हम लोग इस मैच का रिजल्ट का बात करें तो भाई जैसे तैसे इस मैच के अंदर बैकी लिंच फाइनली विन कर जाता है। जैसे ही बैकी लिंच विन करते सामने से रिया रिप्ली आती जो कि उनके रेसलमेनिया 40 के अपोनेंट। रिया रिप्ली बोलते कि मतलब तुम क्या साबित करना चाहते हो, तुम बूढ़ी हो चुके हो, रेसलमेनिया के अंदर मेरा तुम्हारा मैच होने वाला, तुम पहले मैच के अंदर रेसल कर रही हो, जो तुम ऐसे मत करो, तुम करंट है बिल्कुल फिट रहो क्योंकि मैं नहीं चाहता रेसलमेनिया से पहले तुम इंजर्ड हो जाओ, तुम्हारे पास एक एक्सक्यूज मिल जाए कि मैं इंजर्ड था इसलिए मैं रेसलमेनिया के अंदर तुमसे हार गया रही। और इसके ऊपर भाई बैकी लिंच फाइनली अपना जवाब देते कि तुम यहाँ पर नए हो पर ये जो ऑडियंस बैठे हुए ये बहुत ज्यादा पुराने हैं, ये जो ऑडियंस बैठे हुए इनको पता है मैं कितनी कैपेबल हूँ, मैं कितनी बड़ी सुपरस्टार हूँ। सिंपल भाई बैकी लिंच यही बोलती कि मैं तुम्हें फेस करूंगा, मैं तुम्हें रेसलमेनिया 40 के अंदर हराने ही वाला हूं। वैसे भाई आज के मंडे नाइट रॉक ऊपर भाई रैपर का पूरा एक झुंड आया हुआ था, आप लोग यहाँ पर फोटो के अंदर देख भी सकते हैं। साथ ही साथ भाई हमें रॉक ऊपर एक नया अनाउंसमेंट भी देखने को मिलता है कि एक्चुअल में अपना टैग टीम चैंपियंस बेल्ट को लैडर मैच के अंदर डिफेंड करना होगा जजमेंट डे को। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई 6 टीम रहने वाले जो कि क्वालिफाई होने वाला लैडर मैच के अंदर। यह एक बहुत बड़ा मैच अनाउंस हो चुका है भाई, डब्ल्यू वाले इसी बहाने बहुत सारे टैग टीम को फीचर भी करने वाली है। वैसे देन इसके बाद नेक्स्ट मैच ऊपर हमें इंडी हार्टवेल और कटाना चांस का हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है रॉक ऊपर। भाई लिटरली कुछ नहीं था इस मैच के अंदर, भाई मेरे ख्याल से 2 या 3 मिनट के अंदर भाई ये मैच खत्म हो गया। इस मैच के अंदर एंडी हार्टवेल और कटाना चांस मतलब फाइनली इस मैच के अंदर विन कर जाती है। देन इसके बाद नेक्स्ट हमें बैक स्टेज का सेगमेंट देखने को मिलता है जहां निक ऑल्डिस और एडम पियर दोनों टेंशन में रहते किस किस टीम को फीचर करने वाले हम लोग मतलब लैडर मैच के अंदर। भाई तभी वहां पर हमें जजमेंट डे के भी मेंबर देखने को मिलते हैं जो कि आकर बहुत ज्यादा गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। फिन वालों और डेवन प्रिस्ट इस बात को बोलते हैं कि हम लोग को मतलब 6-6 टीम के साथ मतलब चैंपियंस बेल्ट को डिफेंस करना होगा और इन लोग दोनों बिल्कुल ही रेडी नहीं होते इस मैच को करने के लिए। साथ ही साथ इस सवाल को भी पूछते कि इस मैच को आखिर किसने बुक किया। भाई तभी हमें सामने से आर्ट्रूथ भी देखने को मिलता है, एडम पियर इस बात को बोलते कि ये भी उस मैच के अंदर होने वाला है। डेवन प्रिस्ट बोलते कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी आर्ट्रूथ के साथ सबसे पहले एक मैच चाहिए। देन इसके बाद नेक्स्ट हमें भाई कोडी रोड्स का सेगमेंट देखने को मिलता है। भाई ये सेगमेंट बहुत ज्यादा इमोशनल था, बहुत ज्यादा इमोशनल। कोडी रोड्स सबसे पहले रिंग के अंदर आते हैं, भाई माइकल कोल उससे पहले जो कि इनका इंटरव्यू ले रहे थे और सबसे पहले भाई कोडी रोड्स का 1 साल पुराना एक वीडियो दिखाया जाता है जहां मतलब माइकल कोल उनसे पूछ रहे थे कि अब तो तुम्हारे फादर का डेथ हो चुका है तो तुम स्टोरी को क्यों फिनिश करोगे। और साथ ही साथ माइकल कोल इस सवाल को भी पूछते कि जब तुम्हारे फादर जो थे स्टोरी फिनिश करने वाले थे तभी मतलब उस मैच के अंदर वो हार गए तो क्या तुम्हारे साथ भी फिर ऐसा होने वाला है, मतलब फिर तुम क्या हार जाने वाले हो रेसलमेनिया 40 के अंदर जैसा तुम पहले भी हार चुके हो। साथ ही साथ कोडी रोड्स से यह सवाल था कि अब तुम्हारे फादर का डेथ हो चुका तुम आखिर किसके लिए मतलब तुम स्टोरी को फिनिश कर रहे हो। भाई कोडी रोड्स की तरफ से हमें बहुत एक्सीलेंस जवाब देखने को मिलता है। कोडी रोड्स इस बात को बोलते कि मेरे फादर का भले ही डेथ हो चुका है पर मैं उनके सपना को स्टिल पूरा करना चाहता हूं। मेरी माँ जो कि मेरे साथ है वो बूढ़ी हो चुकी है पर आज भी घर में मेरा इंतजार कर रही है कि कब मैं जाकर टाइटल उनके हाथ में। मेरी वाइफ जो कि हमेशा से मेरे साथ ही पूरी दुनिया के सबसे मतलब वो सुंदर वुमेन है और वो हमेशा से मेरे साथ थी, आज भी मेरे साथ है, मैं उसके कदमों में जाकर इस चैंपियंस बेल्ट को मैं देना चाहता हूं। ये सिर्फ मेरा स्टोरी फिनिश करने का बात नहीं, यहाँ पर जितने भी ऑडियंस है पूरे ऑडियंस का स्टोरी फिनिश करने का बात है। उस चैंपियंस बेल्ट को सिर्फ मैं नहीं जीतने वाला, पूरा WWE का सारे ऑडियंस उस चैंपियंस बेल्ट को जीतने वाले। भाई आप बिलीव करो बहुत अच्छा गुस्सा इस टाइम पर आया था मतलब पूरे एरिना के अंदर। कोडी रोड्स भाई यहाँ पर बिल्कुल इमोशनल हो गए थे, मतलब बहुत ज्यादा लिटरली रोना शुरू कर दिए। वैसे इसके बारे में हम लोग बात करने वाले एक स्पेशल वीडियो के अंदर पर भाई इनका जो सेगमेंट था बहुत ज्यादा इमोशनल सेगमेंट। देन इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के बैक स्टेज हमें लिम मॉरगन और बैकी लिंच देखने को मिलते जो कि मतलब एक्चुअली फाइट की थे एक दूसरे के साथ। इनका आज के रॉक ऊपर ही फाइट होता है, उसके बाद बैकी लिंच जाकर बोलते कि चलो ठीक है भाई हम लोग अब मैनेज कर लेते हैं। भाई जैसे ही इनका सुलह होने वाला था पीछे से आती है मोटी आंटी, मोटी आंटी आकर दोनों के ऊपर अटैक कर देती है बहुत ज्यादा बुरी तरीके से। भाई सच में मोटी आंटी मानने नहीं वाली, आज के रॉक पर आकर भाई मतलब फिर से पूरी तरीके से इनको तोड़ दिया। वैसे भाई फिर मोटी आंटी को ले जाने के लिए यहाँ पर रेफरी वगैरह आते हैं, सारे लोग आकर फिर इनको ले जाते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो भाई सेना बेजलर और जोई स्टार के आज के रॉक पर डैमेज कंट्रोल के अगेंस्ट भाई टैग टीम चैंपियंस बेल्ट के लिए मैच। भाई ये मैच बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का था, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा सारे लोग जाकर इस मैच को देख सकते हैं। फुल्ली डिस्ट्रैक्शन था भाई इस मैच के अंदर, बहुत ज्यादा आतंक था पूरे मैच के अंदर। भाई जो भी हो भाई आपको पता है कि डैमेज कंट्रोल अभी करंट टाइम इस चैंपियंस बेल्ट को हार नहीं सकता, तो सेना बेजलर को भाई लास्ट में पिन करके डैमेज कंट्रोल इस
मैच के अंदर अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लेता और है। भाई एक बार आप लोग थोड़ा योशिकाई को देखो यार, लिटरली भाई कितनी प्यारी लगती है, मतलब सच में मैं सही बता रहा हूँ भाई, योशिकाई सच में यार बहुत प्यारी लगती है कभी कभी। वैसे ये वाला स्क्रीनशॉट लेने का क्रेडिट भाई मेरे ऊपर जाता है। वैसे देन इसको नेक्स्ट समय शो को पर हमें अंद्रादे देखने को मिलते हैं, जो कि आकर जजमेंट डे से मिल रहे होते हैं। अंद्रादे आते हैं, अंद्रादे पूछते हैं कि डोमडम करेंट टाइम में कहा है। मामी बोलते हैं कि डोमडम तो हनीमून मनाने गया है। अंद्रादे बोलते हैं कि चलो ठीक है, पर मेरा कुछ पर्सनल काम था उससे। और भाई यहाँ पर डोमडम जजमेंट डे के अंदर पहले ही बता चुके थे कि मतलब हाँ भाई अंद्रादे काम का बंदा है। तो भाई मेरे ख्याल से आप लोग कन्फर्म मान लो अंद्रादे अब जजमेंट डे को ज्वाइन करने वाला बहुत ही। जजमेंट डे भाई जो फ्रैक्शन और भी ज्यादा बड़ा होने वाला, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला। वैसे देन इसके बाद नेक्स्ट समय शो को पर हमें आर्ट रूथ का मैच देखने को मिलता है डेवन प्रिस्ट के साथ। भाई ये भी मैच काफी कमाल का था। आतंक जो कहा जाता है भाई, पूरा आतंक था पूरे मैच के अंदर। बहुत अच्छा रेसलिंग इस पूरे मैच के अंदर देखने को मिला। साथ ही साथ भाई जजमेंट डे का भरभर का इंटरफेरेंस, डीआईवाई का भाई भरभर का अटैक देखने को मिला पूरे मैच के अंदर। लिटरली भाई एक जो तवाही होता है भाई, पूरा तवाही इस मैच के अंदर हमें देखने को मिला। वैसे फाइनली अगर हम लोग मैच का एंडिंग का बात करें तो भाई डेवन प्रिस्ट सक्सेसफुली पिन कर देते हैं आर्ट रूथ को इस मैच के अंदर। भाई सिर्फ पिन ही नहीं करते, इनके पूरे टीम को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से रिंग के अंदर मारते भी। और ये काफी कुल लग रहा था भाई, डीआईवाई मतलब आर्ट रूथ भाई सारे लोग पीट चुके हैं आज के रॉक। वैसे देन इसको नेक्स्ट हमें शो के बैक स्टेज हमें फिर से बैक एलिस देखने को मिलते हैं। भाई बैक एलिस ने मतलब भाई क्या ही खतरनाक मैच को अनाउंस कर दिया। मैं आपको बता दूं भाई, ये मोटी आंटी को चैलेंज कर दी लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के लिए। भाई आपको रेसलमेनिया से पहले आपको मोटी आंटी और बैक एलिस के बीच में आपको लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच आपको देखने को मिलेगा। मतलब भाई ये कितना कमाल का मैच होगा आपको इससे अंदाजा लग गया होगा। वैसे देन इसको नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें जेउसो देखने को मिलते हैं। भाई मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई जेउसो को फाइनली मौका मिला माइक के ऊपर कुछ बोलने का। जेउसो भाई मेरे ख्याल से पिछले 3-4 महीने से भाई कोई भी प्रोमो वगैरह कट नहीं कर रहे हैं। जेउसो सबसे पहले आते हैं भाई माइक के ऊपर, इस बात को बोलते हैं कि मेरे बड़े भाई मैं तुमसे बहुत ज्यादा दूर जाने का कोशिश किया, तुम लोग स्मैकडाउन के ऊपर रहते थे, मैं आ गया मंडे नाइट रॉक ऊपर अपना दुनिया बनाने के लिए। पर जिमी उसो को फिर भी चैन नहीं है, बार बार रॉक ऊपर आ रहा है मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। तो चलो ठीक है, इस स्टोरी को फाइनली अब हम लोग फिनिश करते हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर। रेसलमेनिया 40 के अंदर मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ एक मैच के लिए, सिंगल मैच के लिए। और भाई शायद से मतलब आज के दिन इनका मैच भी शायद से ऑफिशियल हो ही जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें गुंथर भी देखने को मिलते हैं। गुंथर बोलते हैं कि भाई जो भी विनर होगा सोच समझ के विनर बनना, क्योंकि मैं पूरे रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट आईसी चैंपियन हूं, मतलब तुम्हें मुझे फेस करना है रेसलमेनिया के अंदर। तो भाई यहां पर गुंथर मतलब भाई सिंपल तरीके से अपने महानता को यहां पर दिखा रहे हैं। और देन इसके बाद फाइनली हमें इनका कॉन्टिनेंटल मैच भी देखने को मिलता है आज के रॉ के मेन इवेंट के अंदर। मैं आपको बता दूं भाई, सबसे पहला जो मैच होता है जेडी मैकडोना और हमारे रिको से के बीच में होता है। भाई इस मैच के अंदर रिको से भाई फाइनली विन कर जाते हैं, पर भाई मैं आपको बता नहीं सकता भाई ये मैच कितना कमाल का था। मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई, ये मैच 15-20 मिनट का था, वो भी मतलब हार्डकोर रेसलिंग मैच पूरा। वैसे जैसे रिको से इस मैच के अंदर विन करते हैं, ब्रॉन्सर रीड आते हैं इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर ब्रॉन्सर रीड और रिको से के बीच में मैच होता है जिसके अंदर ब्रॉन्सर रीड फाइनली विन कर जाते हैं। फिर देन उसके बाद ब्रॉन्सर रीड को चैलेंज करने के लिए सैमी जेन आते हैं, इनके बीच में बहुत छोटा मैच देखने को मिलता है। भाई इनके बीच में बहुत कमाल का मैच देखने को मिलता है। सैमी जेन का भाई पैर भी यहाँ पर इंजर्ड हो चुका है, भाई सैमी जेन फाइनली ब्रॉन्सर रीड को इस मैच के अंदर हरा देते हैं। फाइनली सैमी जेन पहुंच चुके थे फाइनल के अंदर, जहां उनको चैट केवल के साथ फाइट करना था। चैट केवल भाई पूरे मैच के दौरान सैमी जेन के पैर के ऊपर अटैक कर रहे थे। सैमी जेन भाई बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, पर हाँ भाई सैमी जेन फाइनली इस मैच को विन कर चुके हैं रेसलमेनिया के अंदर। सैमी जेन फेस करने वाले गुंथर। मेरे ख्याल से भाई ये मौका चैट केवल को भी देना चाहिए था, वैसे आपका ख्याल इसके ऊपर सारे लोग बता सकते हैं। और हाँ भाई आज के रॉ के ऊपर इतना ही था। तो भाई रॉ अगर पसंद आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, जिन लोगों को मेरे से बात करना होगा इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं। और हाँ आज चैनल के ऊपर भाई दो और वीडियो आने वाला है।